हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजू और आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट लाल मिर्चों का अचार। वाह, देखते ही आ जाता है ना मुंह में पानी। तो हम ऐसा अचार डालेंगे जो फटाफट से इनको डालें और खाना रेडी, मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा अचार इतना टेस्टी बनेगा ना कि हमें सब्जी खाने का मन ही नहीं करेगा। पराठा, दाल चावल, सब चीज़ से हम यही अचार खाना पसंद करेंगे, देखना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको, वैसे तो इनको भरवा भी बनाते हैं, मीन्स कि ये ले लिया, मिर्च ले ली, इसको बीच में से ऐसे चीरा लगा के और खोल के अंदर भर के मसाला। लेकिन आज हम वो वाली नहीं बना रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल है, लेकिन वही टेस्ट आएगा, वही चीज़ रहेगी। और इसको हम कटिंग करेंगे कैंची से और उसके बाद इसमें डालेंगे अपने मसाले। बढ़िया खटाई तो चटपटा अचार बनने वाला है, दिल थाम के रखिएगा। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये मैंने मिर्चे काटने के लिए ही स्पेशली रखी हुई है, चाहे ये हो, ये तो खैर अचार के लिए डाल रही हूँ। ये जैसे ग्रीन मिर्चे हैं, मैं सब्जी वगैरह में किसी में भी डालती हूँ, तो मैं चाकू से नहीं करती, मेरे हाथ में बहुत मिर्चे लग जाती हैं, मतलब वाश करने के बाद भी। तो मैंने एक ये कैंची अलग से बनाई हुई है, तो मैं इसी से कट करती हूँ। तो मैं ये अचार के लिए भी इससे करूँगी और फटाफट ये कट जाएंगी। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें सारी मिर्चें मैं कट कर दूंगी। आप अगर लंबी काटना चाहें तो लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाकू से काटनी पड़ेंगी। भाई मेरे तो बहुत मिर्चें लग जाती हैं और मुझे मिर्च के अचार का बहुत शौक है, तो मुझे तो ज़रूर चाहिए, और इसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ कैंची। कूड़ा इसमें डालते जाएंगे हम, और ये एक एक करके सारी मिर्चों को हम ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, और इतना, मतलब अभी डाल रही हूँ मैं, ये तकरीबन अभी बजे हैं 6 बजे हैं शायद, मेरे ख्याल से यही टाइम हुआ है शाम के, और अभी मैं रात को डिनर में इनको खाना शुरू कर दूंगी। मैं नहीं रुक पाती भाई, मिर्च का अचार है ही ऐसा टेस्टी। ये मेरी मम्मी बनाया करती थी, ये सब चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। अभी तो मेरी मम्मी नहीं हैं, लेकिन मैं जब भी अचार डालती हूँ उन्हें ज़रूर याद करती हूँ। उनको भी बहुत शौक़ था हमारे यहाँ खट्टी चटपटी चीज़ों का, बहुत शौक है सबको। ये देखिए, ये सारी हम ऐसे कट करके रख लेंगे। मैं वैसे आपको लंबी भी काट करके दिखा देती हूँ, आप चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं। एक मिनट, नाइफ ले लूँ। ये ले लिया मैंने नाइफ। इसमें आप जैसे भरवा बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे चीरा लगा लेते हैं ऐसे करके इसमें, और चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि मसाला तो सेम ही है। अगर हम दो चार ऐसी भी बनाना चाहें, लेकिन क्या है ना, उसको खाने में पूरे हाथ एक तो सन जाते हैं, आपने भी देखा होगा ना, और फिर वेस्ट चली जाती है वो। ये देखिए, मान लो हमें पूरी नहीं खानी है तो वेस्ट चली गई। ये देखिए अंदर इसके, मैं थोड़ी सी आपको दिखाते दिखाते मन कर गया, चलो थोड़ी सी भरवा भी बना लेते हैं। हाँ, मैं तो आपको लंबी दिखाने वाली थी ना, ये देखिए लंबी क्या करेंगे हम, ऐसे काट लीजिए, ये काट ली क्योंकि बहुत मोटी मोटी, ये इसके मैंने 4 पीस कर लिए ऐसे, है ना। और ये देखिए, इसको काट लिया और ये इसको काट लिया, तो ये देखिए ऐसे ये लंबे पीस हमारे बन जाएंगे, दिख रहे होंगे ना आपको इसमें। ये देखिए, तो मैं फटाफट से काट के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिर्चें काट ली हैं, और ये 4-5 मिर्चें ऐसी साबुत भरने के लिए बचा ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मसाला रेडी कर लेंगे, क्योंकि भरवा का मैं अभी बाद में बताऊंगी, है तो सेम ही, लेकिन पहले हम इसमें डाल देते हैं। इसमें अलग से
जैसे इसके लिए तो अलग से हमें बनाना पड़ेगा, तो मैं मसाले इसमें इकट्ठे करके बना के फिर भरेंगे। लेकिन इसका मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहले हमें डाल देंगे इसमें नमक, नंबर वन नमक। नमक थोड़ा तेज ही डलेगा, है ना। और मिर्च है, मिर्च तो नहीं पड़ेगी मिर्चों में। और डालेंगे ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ। ये डाला हल्दी पाउडर, और ये है धनिया पाउडर। ये थोड़ा ज़्यादा डलता है, ये एक चम्मच भर के डाल दिया मैंने। हल्दी हो गई, और हाँ, और डलेगा ये हमारा अमचूर पाउडर, क्योंकि खट्टा करने के लिए। और उसके बाद डालेंगे इसमें ये हींग। हींग का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। ये मैंने डाल दी, तकरीबन आधा चम्मच के करीब आप हींग डाल दें, है ना। और ये मैंने लिया है हाफ लेमन, तो लेमन भी स्क्वीज कर देंगे इसी में। हाथ से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हाथ में जो मिर्चें लगी है ना, उसके बाद यही नींबू रगड़ लूंगी तो हाथ में से मिर्चें चली जाएंगी, वरना फिर आंखें रगड़ लूंगी, कुछ कर लूंगी, बस हो गया काम खराब। ये देखो ऐसे ऐसे करके रगड़ लेती हूँ उंगलियों पे, तो सारा मिर्चें चली जाएंगी हाथ में से। ओके, ये हो गया। अब डालेंगे, हाँ, मेन चीज ये है विनेगर, सिरका। ये हम डालेंगे बस इसका वाला एक ढक्कन, जो चाइनीज खाने वगैरह में पड़ता है ना। इससे क्या होता है, हमारा अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा, नंबर दो, एकदम इंस्टेंट रेडी होने का यही सीक्रेट है, है ना। तो ये सब हमने डाल दिया है, अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में अचार बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और मन करता है खाते जाओ खाते जाओ, बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं करता। ये देखिए मैंने इसमें कुछ बड़े काट दिए थे, मतलब लंबे, और कुछ गोल काटे हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल उठा लेती हूँ, एक मिनट। ये है मेरा जीवो का मस्टर्ड ऑयल, इसको हम डालेंगे। आप चाहे तो पका के भी डाल सकते हैं, कई लोग कहते हैं पका के ठंडा करके ही डालना है। अरे मैं तो सब कुछ ऐसे ही डाल देती हूँ। ये अंदाजन डाल देते हैं 2 स्पून के करीब, ठीक है। इससे क्या तो शाइनिंग आ रही है इसके अंदर, ये देखिए। अब इसको मिक्स करके और ढक करके हम रख देंगे, बाकी इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना। और तेल देखो 2 चम्मच के करीब डाला है, कोई ऐसा तेल नहीं पड़ेगा, और देखना क्या चटकारे लेके खाएंगे घर में सब। नींबू नहीं हो तो ऐसा कुछ नहीं है जरूरी डालना है, या विनेगर नहीं है तो नींबू हमने डाल ही दिया है, अमचूर डाल दिया है, कोई आप इन तीनों में से एक चीज भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, है ना। तो इसको तो कर देते हैं अभी हम साइड पे। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, हमें यही सब मसाले हम इसमें करके भरवा मिर्चों के लिए अपने बना लेंगे। तो ये डाल दी मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, इधर ही रखती हूँ आपको आसानी से दिख जाएगा। ये डाला नमक, नमक थोड़ा सा और डाल देती हूँ, धनिया पाउडर हो गया, नमक इसमें, हाँ सौंफ का पाउडर भी हम डाल सकते हैं। ये डाली हींग, हींग तो ज़्यादा ही डालती हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये डाल दिया अमचूर पाउडर, है ना। अब इन सब में थोड़ा सा तेल डाल के वही अपना, क्योंकि सूखा सूखा तो उड़ा उड़ा सा जाएगा मसाला, तो थोड़ा इसको बांधने के लिए हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। मैंने थोड़ा ही बनाया क्योंकि मिर्चें 1 2 3 4 5 हैं, है ना, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा अंदाजा कर लेती हूँ। देखो इतना बना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाल लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है।
और इसमें आप चाहें तो अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। वैसे रेड चिली तो हम ये वाली तो नहीं डालेंगे, ये तो नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्चे अपने आप में ही मिर्चे हैं इसके अंदर, तो फिर तो खाई ही नहीं जाएगी, है ना, फिर तो सीसी करते रह जाएंगे। तो ये बन गया हमारा मसाला। सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमचूर डाल दिया है हमने, है ना। और जो तेल और नमक है वो ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है। थोड़ा नमक और डाल देते हैं फिर हम भी, थोड़ा नमक मैं और डाल देती हूँ। तो ये देखिए, इसमें पानी नहीं डालेंगे, पानी से आप गीला मत करिएगा, आपको जितनी ज़रूरत हो तेल ही डालिए क्योंकि पानी से खराब हो जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं ये अपनी मिर्ची, कितनी सुंदर लग रही है ना। भगवान ने भी देखो नेचर ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, हमने कितनी कलरफुल चीज़ें दी हैं कि देख के ही खाने का मन कर जाए। अब इसको अच्छी तरह चीरा लगा लेंगे और ऐसे लेकर के, ये देखिए बिल्कुल आसान है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। बस ये इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि साबुत है ना, अच्छे से खट्टी होनी चाहिए। हाँ, और आप चाहें तो इसमें राई, राई होती है ना छोटे वाली, सरसों की छोटी बहन, जो पतले पतले दाने होते हैं वो भी इसमें पीस करके डाल सकते हैं क्योंकि कई लोग राई वाली मिर्चें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसको वही है चक्कर कि उठने में थोड़ा, राई जब खट्टी होगी तो खटास के लिए हम वो डाल देते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने वो भी पीस के रखी हुई है, ये देखिए ये है राई बारीक वाली, इसको मैंने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, मैं भी डाल देती हूँ। चलो ये तो पहले तो वो वाला खा लेंगे, ये वाला बाद में खा लेंगे, तो मैं भी मिक्स कर लेती हूँ। आपको बताते बताते याद आ गया, अभी तो एक में ही भरा था ना। फिर तेल भी और डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं इसमें, और ये देखिए ऐसा हो गया ये हमारा तेल, और ये डाल के अब हम भर देते हैं इसमें। ये देखिए ऐसे मुंह खोल लिया इसका, तो ये रखी रहेगी, ये बाद में खट्टी हो जाएगी। जैसे हम कांजी डालते हैं इसका, राई का पानी, होली पे बनाएंगे ना कांजी, वो वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। होली पे बहुत चीज़ें बनाने वाले हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है। पहले से कह के तो जरूर काम गड़बड़ होता है, आपके साथ भी होता है क्या ऐसी? मीन्स पहले से कोई बात अगर आपने कही नहीं, बस वो काम तो होगा ही नहीं, इसीलिए अटेंडम ही करेंगे हम। ये देखिए अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो और खूब अच्छी तरीके से भर दीजिए इसमें, लेकिन मुझे मिर्चे ज़्यादा पसंद हैं, मसाला मतलब नॉर्मल चाहिए, ये नहीं कि इस मसाला ही मसाला आ रहा है। ये देखिए अच्छे से आगे से पीछे तक हम भर देंगे इसमें। फिर जब आप खाएंगे तो बस ऐसा मज़ा आने वाला है। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी मिर्चों का अचार डल गया है, टें टें। अब हम इसको रख देंगे, और ये वाला भी हो गया है रेडी, इसको भी हम ढक करके रख देंगे और फिर रात को खाएंगे, फिर कल नाश्ते में खाएंगे। देखिए मैंने बॉक्स में बंद करके रख दिया है, और इसको भी चाहूँ तो मैं इसमें ही रख सकती हूँ लेकिन इसे अलग बोट में रख दूंगी मैं। और हाँ एक चीज़ मैं और दिखा रही थी, ये देखिए ये है ना, ये राई का पाउडर, बारीक वाली राई का पाउडर है ये, ऐसे मैं बना के रखती हूँ। और जब भी मुझे कांजी डालनी होती है तो ये पीस के मैं फ्रीजर में रखती हूँ क्योंकि यहाँ मुंबई में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बाहर आप कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो ये मैं पीस के रखती हूँ और निकाला, नमक मसाले डाले या गाजर डालनी है या भल्ले डालने हैं वो उसमें डाले, और 2-3 दिन में कांजी रेडी। वो भी हमें बहुत पसंद है, हम लोग बहुत चटोरे हैं असल में। आप मेरे साथ रहेंगे ना
तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बताती रहूंगी जिससे आप फटाफट काम कर लेंगे। सब पूछेंगे अरे वाह इतनी जल्दी रेडी कैसे कर लिया। तो ये सब प्री प्लानिंग होती है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो ओके फ्रेंड, मिर्च का अचार अच्छा लगे तो बताइएगा और कमेंट करिएगा आपका कैसा बना और आप और किस तरीके से डालते हैं। और अगर मेरी जानकारी, मेरी बातचीत, मेरे से मिलना आपको पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हम फिर मिलेंगे ना। फटाफट आप देखोगे कि मैं और क्या-क्या डाल रही हूँ और आपके प्यार से ही हमें सपोर्ट मिलता है और हम लोग आगे मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं। ओके फ्रेंड, बाय बाय।